हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस लेक्चर में बेटा मैं आपको करवाने जा रही हूँ चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में से बेटा तीन क्वेश्चन आएंगे हमारे एक एक नंबर के, वन मार्क के, और एक क्वेश्चन आएगा केवल दो मार्क्स का, यानी कि केवल फाइव मार्क्स। केवल तो नहीं है फाइव मार्क्स, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक्सरसाइज 13.4 जिसमें फ्रस्ट्रम है आपका छिन्नक है शंकु का, वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है, डिलीट कर दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो बेसिक डेफिनेशन है, जो आपने नाइन्थ क्लास में जो सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे, उन पर आपके तीन में से तीनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं एक एक नंबर के, और दो तो 100% आपके फॉर्मूला पर बेस्ड आएंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है, तो फटाफट से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ भाई घनाभ। घनाभ बोलें या क्यूबॉइड बोल दें इंग्लिश में, ठीक है। और घनाभ जैसे कोई ईंट है, कोई अलमीरा है आपके घर में, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास घनाभ, कमरा है कोई, ये सब घनाभ की शेप में होते हैं। इस चैप्टर को करने के लिए जो भी फिगर आप पढ़ोगे, उस फिगर की डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए कि हमारी डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो घनाभ में बेटा लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, और ये घनाभ की हाइट होती है। और तीन चीज़ें हम इसमें देखते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये लेक्चर में थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी शॉर्ट्स यहाँ पर यूज करूँगी। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। थ्रू आउट द लेक्चर अब मैं इसको CSA से डिनोट करूँगी। कर्व्ड का मतलब चारों तरफ का। आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी ज़मीन छोड़ दीजिए और छत छोड़ दीजिए, तो जो फोर वॉल्स का एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, और उसका फॉर्मूला होता है 2H × L + B। दूसरा होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी घनाभ का, क्यूबॉइड का, वो होता है 2 × LB + BH + HL। ये दोनों मीटर स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर में होते हैं क्षेत्रफल की, जब भी मैं बात करती हूँ, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। और तीसरी चीज़ होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन, यानी कैपेसिटी भी बोल देते हैं इंग्लिश में किसी भी घनाभाकार बर्तन की, तो वो होता है LBH, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या जो भी है यूनिट की पावर 3। सेकंड है बेटा हमारा घनाभ का ही एक पर्टिकुलर केस हो जाता है घन क्यूब, ठीक है। ये इधर लिखना भूल गई मैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये है क्यूब इंग्लिश में। हिंदी में कहूँ तो घन होता है, और घन का मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूँ, जब आप लूडो खेलते हो तो लूडो की डाई जो आप यूज करते हो वो घन का एग्जांपल होता है। तो उसकी सारी डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती है, उन्हें हम एल से भी डिनोट कर लेते हैं, उन्हें हम ए से भी डिनोट कर लेते हैं। तो घन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया, चार दीवारों का है, एक दीवार एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर का एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ यानी एल स्क्वेयर, तो चार दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 4L² कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भाई। नंबर दो पे हमारा आ जाता है टोटल सरफेस एरिया, छह दीवारों का 6L². तीसरा हमारा आ जाता है वॉल्यूम यानी कि आयतन, मैं हिंदी में भी साथ साथ बोल रही हूँ, तो ये हमारा हो जाता है L³। ये एक बार मैंने बोल दिया है क्षेत्रफल मीटर स्क्वेयर में या सेंटीमीटर स्क्वेयर में, और आयतन मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में। ये सब डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, तब आपके तीन नंबर पक्के हैं। तीसरी फिगर हमारी आ जाती है सिलेंडर। सिलेंडर की कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई नहीं होती है। सिलेंडर की दो डायमेंशन होती हैं, एक होती है सिलेंडर की हाइट H, और सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, तो उसकी होती है त्रिज्या R। ये दो डायमेंशन हमारी होती हैं। अगर हम सिलेंडर के नीचे और ऊपर के दोनों के वृत्तों को छोड़ दें, तो जो चारों तरफ का एरिया, जैसे ये पेन है मेरा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके चारों तरफ का जो एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, इसके अंदर हम ये दोनों
वृत्त भी ऐड कर लेते हैं। देखो अब तो आपके पास टाइम है नहीं क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो अब तो आप जो याद कर सको तो रट सको तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 13th चैप्टर 9th क्लास का बड़े अच्छे से करवाया हुआ है, वहाँ से आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो बाद में, अब नहीं बाद में, जिन्होंने आगे भी मैथ्स पढ़ना है और समझना है। वॉल्यूम होती है इसकी पाई आर स्क्वेयर एच। वॉल्यूम के फॉर्मूले में पावर 3 आएगी, देखो 1 2 3, 3 हो गई, यहाँ पावर 3 हो गई, यहाँ आर की पावर 2 है, एच की पावर 1 है, तो 3 हो गई। तो ये आपके सिलेंडर के सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं, आई होप आपको समझ आ रहे हैं। चौथे नंबर पर हम ले लेते हैं शंकु या कोण। सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं और इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। उससे अगली फिगर आ जाती है शंकु या कोण। जैसे आप सॉफ्टी खाते हो, मेहंदी लगाती हैं लड़कियां, तो वो सब जो शेप होती हैं वो शंकुआकार कोनिकल शेप होती हैं। कोण की 3 डायमेंशन होती हैं, ये होती है कोण की हाइट एच, ये कोण के बेस का रेडियस आर, और ये जो स्लांट तिर्यक ऊंचाई एल होती है। तो यहाँ एक फॉर्मूला नया आ जाता है, ये जो एल एच और आर मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो यहाँ इन तीनों में एक रिलेशन आ जाता है, वही हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वाला, तो एल स्क्वायर हो जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका यूज कहाँ होता है, कई बार इन तीनों में से 2 डायमेंशन दे दी जाती है और तीसरी हमें निकालनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें इसको यूज करना पड़ता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कर्व सरफेस एरिया पर, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया। भाई एक तो ये हो गई वक्र, तो नीचे एक सर्कल और जुड़ जाएगा, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर कॉमन लोगे तो आर प्लस एल आ जाएगा। और तीसरा हो जाता है इसका वॉल्यूम, यानी कि शंकु का आयतन, तो वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। फिफ्थ शेप आपकी आ जाती है बेटा जी गोला, इंग्लिश में कहूँ तो स्फीयर, स्फेरिकल शेप, ठीक है, जिसे हम गोल कह देते हैं। गोल और वृत्ताकार में फ़र्क होता है थोड़ा। वृत्त तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जैसे 1-2 रुपये का सिक्का है वृत्ताकार है, और फुटबॉल है जो फुटबॉल की शेप होती है उसे हम गोलाकार नहीं कहेंगे, उसे हम नहीं उसे गोलाकार कहेंगे, वृत्ताकार नहीं कहेंगे, स्फेरिकल कहेंगे। तो इसकी एक ही डायमेंशन होती है कि फुटबॉल के सेंटर को जब उसकी सरकमफ्रेंस से मिलाएं तो रेडियस होता है, केवल रेडियस। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि फुटबॉल जो होती है वो हर तरफ से एक सी होती है, तो उसका कोई भी टोटल कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। गोले का, स्फीयर का केवल और केवल टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², यानी कि वृत्त के एरिया का 4 गुना, सर्कल के एरिया का 4 गुना। और दूसरा आ जाता है इसकी वॉल्यूम, 1/4π r³। क्लियर है। और लास्ट हमारा होता है इसका अर्धगोला, यानी कि फुटबॉल को बीच में से काट दें तो एक बाउल की शेप हमारी बनती है, अर्धगोले की शेप हमारी बनती है, ये होता है बेटा जी अर्धगोला, इंग्लिश में कहते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। इसकी भी डायमेंशन, ये भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ मिलाओगे ये भी रेडियस है। इसमें 2 फेस होते हैं, एक तो ये देखो ये चारों तरफ का, एक ये वाला कटोरी आप ले लो ना हाथ में, कटोरी को ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो 2 इसके क्या हो जाते हैं, सरफेसिज हो जाती हैं। तो जब हम इसके कर्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो क्योंकि फुटबॉल को बीच में से काटा है 4πr² है, तो कर्ड हो जाएगा 2πr². फिर आ जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया, जिसमें ये वृत्त का सर्कल का एरिया और जुड़ जाता है एक बार और, तो 3πr². और तीसरा हो जाता है इसकी वॉल्यूम, यानी कि आयतन, 2/3πr³। तो ये आपके कुछ मैंने फॉर्मूला सारे ही बता दिए हैं। अब मैं फटाफट आपको इन पर बेस्ड एक एक नंबर के वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो सैम्पल पेपर में है और 2021 के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ये देखिए आपका ये सैम्पल पेपर का है, 21 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंब बेलन का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोण ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस 5 सेंटीमीटर इज। बहुत ही आसान सा हमारा एक क्वेश्चन हमें दिया गया है एक नंबर में। ये बेलन है आपका, बेलन की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर है, आयतन आपने बताना है पाई आर स्क्वेयर एच, एक नंबर पक्का। ये हो गया 22/7, आर स्क्वेयर का मतलब रेडियस को 2 बार, और 21
सात तिया 21, ये गुणा आपको आनी चाहिए। अब कैसे करोगे वो देख लो, तो 22 पंजे 110 और 5 तिये 15, 1650 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो कितना आसान है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन, गोला स्फीयर का रेडियस है, ठीक है ना। आपको सॉल्यूशन नहीं देना होता एक नंबर में, ये बात आपने ध्यान रखना है, एक नंबर में आपने सॉल्यूशन नहीं देना है। ये वैसे मैं सैंपल पेपर पूरा करवा चुकी हूँ, ये सैंपल पेपर के जो है वो क्वेश्चन है। तो स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है, हमें निकालनी है आयतन या वॉल्यूम, और वॉल्यूम अभी मैंने आपको बताया है क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr³, ठीक है ना भाई। तो ये हो जाएगा 4/3 π की वैल्यू जब तक मेंशन ना हो 22/7 ही लेनी होती है। अब ये बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी तो ये आपने खुद करनी है, कट तो रहा नहीं है। ये हो जाएगा 512 और ये हो जाएगा 88, ठीक है भाई। बहुत मैं पहले बोल चुकी, थोड़ा सा समय की कमी है अभी इस वक्त मेरे पास। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन आ जाएगा, ये यहाँ आपका एक नंबर कंफर्म हो जाता है। और ये एक नंबर का क्वेश्चन और देखिए, अब ये आपका 10th लेवल का है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर इसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट, यानी उसको फिर से शेप दी गई है, इन टू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ सिलेंडर। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनमें एक सिंपल सा लॉजिक लगता है। आप ये समझो कि ये आपके पास एक लोहे का गोला है, लोहे की फुटबॉल है, इसको पिघला दिया, इसको पिघला के हमें लोहा मिल गया और उस लोहे से दोबारा हमने एक सिलेंडर बना दिया। ध्यान देना मेरी बात पर, लोहा नहीं है आपके पास, क्ले है, आटा है आपके पास, आटे की आपने फुटबॉल बनाई, उसी आटे को शेप दे के सिलेंडर बना दिया बच्चे ने। तो इन दोनों का कंपैरिजन करना है। अब इन दोनों में जो कॉमन बात है ना, उस चीज़ को आपने नोट कर लेना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है आपकी वो वॉल्यूम सेम होती है, इनका आयतन समान होता है, यानी जो आटा फुटबॉल बनाने में लगा वही आटा सिलेंडर बनाने में लगा, जो लोहा फुटबॉल बनाने में लगा वही आयरन सिलेंडर बनाने में लगा, तो दोनों की जो है वॉल्यूम सेम होगी। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, बहुत टाइम हमने नहीं लगाना है। तो स्फीयर की वॉल्यूम और बेटा जी सिलेंडर की वॉल्यूम इस कंडीशन में सेम होगी, स्फीयर की वॉल्यूम होगी 4/3 πr³, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h। देखो मैंने डायमेंशन बदल दी है, ध्यान रखना। तो अब स्फीयर का जो रेडियस है वो 4 है, सिलेंडर का जो रेडियस है वो 2 है, ध्यान देना। तो यहाँ तो 4 लग जाएगा, 4/3 π ✕ 4³, पाई ये है 2² इंटू हाइट, बस ये हाइट हमने निकालनी है, दोनों तरफ जब हम सॉल्व करेंगे निकल जाएगी, पाई से पाई काट देना। इस टाइप के क्वेश्चन में पाई की वैल्यू मत रखना, दोनों तरफ से लगभग कैंसिल हो जाएगी। अब एच को यहीं रखो, बाकी सब कांस्टेंट को लेफ्ट में ले आओ। तो देखो भाई ये हो गया 4, 4 का क्यूब करोगे 64 डिवाइडेड बाय 3 और ये 2 का स्क्वेयर करोगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा h, 4 से 4 कैंसिल, 64/3 हाइट आ जाएगी, 64/3 सेंटीमीटर। तो ये तीन क्वेश्चन सैंपल पेपर में थे, आप इनका लेवल देख सकते हो, द इजीएस्ट वन है ये, आपको बुक में तो मिलेंगे नहीं, ये तो 9th लेवल के आपके क्वेश्चन है, तो आपको जस्ट फॉर्मूला आना चाहिए। सारे फॉर्मूले अगर याद है तो 2 नंबर कंफर्म है। इसका पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि जो 2 फिगर दी गई हो दोनों की वॉल्यूम को आमने सामने रखना, पाई की वैल्यू मत रखना, जो गिवन है वो पुट कर देना, सब कैंसिल करके जिसकी वैल्यू निकालनी है वो हमें मिल जाएगी। ये क्वेश्चन बेटा हमारा सितंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, कोण या शंकु पर बेस्ड है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई, ध्यान देना है बात पर, ये है हमारी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है, इसका हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, ये मैंने केवल यहाँ पर क्षेत्रफल लिख दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्ड सरफेस एरिया। तो कट सरफेस एरिया हमारा बहुत ही सिंपल होता है, शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, तीनों चीज़ हमारे पास हैं,
पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7, एल का मतलब 3, 66 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आपको चार ऑप्शन गिवन है, उसमें से आप ऑप्शन छांट सकते हो। और इसमें केवल दो क्वेश्चन एक एक नंबर के, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला था ओपन में थोड़ी मार्किंग स्कीम चेंज कर देते क्योंकि अगस्त सेप्टेम्बर आ चुका था उस टाइम तक, वहाँ केवल दो एम सी क्यू हैं और एक तीन नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सेकेंड एम सी क्यू क्या है कि एक गोला है, स्फीयर है, उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और आपने उसकी वॉल्यूम बतानी है। तो गोले की वॉल्यूम होती है 4/3 πr³, 4/3 22/7, आर क्यूब का मतलब 6 × 6 × 6, 3 × 2 = 6। जब आप इसे सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप अपने आप कर लीजिएगा, 905.14 cm³ आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगस्त 2021 के क्वेश्चन पेपर से, 3 MCQ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो जिसकी त्रिज्या आर सेंटीमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात आए और पर्टिकुलरली मेंशन ना हो, तो हम कर्ड सरफेस एरिया यहाँ पर ले रहे हैं। वैसे इसने लिखने में गलती की है, लिखना चाहिए। तो कर्ड सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा 2πr², ठीक है भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस ईयर में तीनों ही क्वेश्चन आपको फॉर्मूला दिए गए हैं। अगला है आपका वॉल्यूम ऑफ कोण, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आपने निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। ऊंचाई एच और त्रिज्या आर है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² और तीसरा क्वेश्चन है गोले का आयतन। देखो भाई कितने आसान क्वेश्चन है, गोले का आयतन यानी कि स्फीयर की जो है वो हमें वॉल्यूम बतानी है। अगर रेडियस आर है तो 4/3 πr³। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि एक नंबर के क्वेश्चन आपके कितने इजी आने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये 9-10 क्वेश्चन मैंने आपको सितंबर, अगस्त और सैंपल पेपर से करा दिए हैं। बार बार मैं फोकस कर रही हूँ कि आपने सैंपल पेपर पे ध्यान देना है। तो जब हम सैंपल पेपर का लेवल देखते हैं तो 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हैं और एक क्वेश्चन रिकास्टिंग का है। रिकास्टिंग का मतलब एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट किया गया है, उसमें आपने ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो एक नंबर यहाँ से आपका कन्फर्म, एक नहीं 3 नंबर आपके कन्फर्म हो जाते हैं। अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब हम कर रहे हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। आपका प्लस पॉइंट ये है कि केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इजी इजी क्वेश्चन करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें हम स्किप कर सकते हैं। ये एक सिंगल क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर आना चाहिए, ये गलत लिख रहा है यहाँ पर, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझे ध्यान से, 2 cubes each of volume 64 cm³ आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉयड। आपने इस क्वेश्चन को समझना है, आपके पास 2 क्यूब हैं, 2 लूडो की डाइस हैं, दोनों डाइस को मिलाकर, देखो ये एक डाई तो ये है, ठीक है, और दूसरी डाई इसी के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है और दोनों को मिलाकर एक क्यूबॉयड बनाया जाता है। तो इस तरह से जो क्यूबॉयड बनता है उसका आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम क्यूब पर आ जाते हैं, घन पर आ जाते हैं कि माना घन की भुजा, माना घन की भुजा, ठीक है भाई। घन की भुजा हमने ले ली ए सेंटीमीटर, वॉल्यूम साइड ऑफ क्यूब, ठीक है भाई, समझ जाना भाई। आप एक मीडियम में करा रही हूँ मैं, साइड ऑफ अ क्यूब इज ए सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन, आयतन कितना होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड यानी ए क्यूब। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि जो सिंगल क्यूब है उसकी जो वॉल्यूम है वो 64 है। इसका क्या बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है कि भैया 64 होता है 4 का क्यूब, तो दोनों तरफ जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी ये जो वैल्यू हमें दी गई है इसकी हेल्प से हम अपने क्यूब की साइड को फाइंड कर सकते हैं। ये लॉजिक्स आपको आने चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। भाई एक क्यूब था, उसकी प्रत्येक का आयतन है ना, प्रत्येक का, एक का आयतन 64 है,
एक का आयतन 64 है, तो उसकी हेल्प से हम उसकी साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्यूब की साइड आ गई, तो अब क्यूब से क्यूब जोड़ेंगे तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी सारी की सारी साइड्स हमें मिल जाएंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दो घनों को मिलाकर घनाभ बनाया गया है। क्योंकि दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। अ क्यूबॉइड इज कंस्ट्रक्टेड बाय ज्वाइनिंग टू क्यूब्स। तो घनाभ की लंबाई, ये अब ध्यान देना है आपने, घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये कितनी है? 4, और इसके साथ एक और मिल गई 4, तो 4 जमा 4 कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी जितनी इसकी साइड है, 4 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, LB+BH+HL। देखिए 10th क्लास में दो दो फिगर को मिला के नई फिगर बनाई जाएगी, और उस नई फिगर का आपने वॉल्यूम या सरफेस एरिया वगैरह आपने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि जो नई फिगर बनेगी वो किन किन से मिलके बनी है, जिन जिन से मिलके बनी है उसकी सारी डायमेंशंस और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी, इस चैप्टर में ही कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। तो ये मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा कि घन की भुजा ए है, वॉल्यूम ए क्यूब है जो कि 64 दे रखा था, तो उससे हमें घन की क्यूब की साइड मिल गई। दो क्यूब को मिलाकर, क्योंकि मैंने ये अब ये घनाभ बनाया है यहाँ पर, दो क्यूब को मिलाकर तो 4 और 4 8 लंबाई हो गई, 4 चौड़ाई हो गई, 4 हमारी हाइट हो गई। तो इसमें हम पुट कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 और 4 इंटू 8। सिंपल कैलकुलेशन है, 8 चौक 32, 4 चौके 16 और 32, 80, 2 और 2 4, 6 4 10, 80 हो जाएगा, 2 × 80 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो मैं आपको समझाती हूँ तो इतना लंबा पड़ जाता है, वरना इतना लंबा नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा सितंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर की। उसमें आपका ये एग्जाम्पल, देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप सारे एग्जाम्पल्स कर लेते हो तो भी आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, सारे क्वेश्चन लगभग एग्जाम्पल्स में से आते हैं। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या बताओ। फ्रॉम ए क्ले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझे, मॉडल बनाने वाली मिट्टी यानी फ्रॉम ए क्ले, एक क्ले को यूज करके एक कोन बनाया गया है हुज हाइट इज 24 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, और एक बच्चे ने उसे एक स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमें स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है। दोनों में कॉमन क्या है? रिकास्टिंग का क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, वॉल्यूम ऑफ बोथ शेप्स इज सेम। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आप इसको कैसे लिखेंगे? दो ही नंबर में अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे कैसे करेंगे? बच्चे ने पहले बनाया शंकु, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी? 24 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या जिसे आप कहते हो रेडियस, वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको ना अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, दो नंबर का क्वेश्चन है। तो क्योंकि शंकु को गोले में बदला गया, क्योंकि शंकु को, बिकॉज द कोन इज रिकास्टेड इंटू अ स्फीयर, सुन रहे हैं सभी? तो क्या आ जाएगा? शंकु का यहाँ पहले ये और लिख लेना, माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन बराबर है किसके हो जाएगा? गोले का आयतन। आपको लॉजिक समझ आ रहा है? हमारे पास एक क्ले था, क्ले से हमने एक शंकु बनाया एक बच्चे ने, जिसकी हमें हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। थोड़ी देर में बच्चे ने उसको रिकास्ट कर दिया, उसी शेप को एक स्फीयर में बदल दिया जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि इस मिट्टी से जब ये स्फीयर भी कन्वर्ट किया तो कितना मोटा स्फीयर बना, यानी उसका रेडियस कितना है? तो शंकु का आयतन और गोले का, ये लॉजिक समझ आ गया, उसी क्ले से शंकु बन रहा है, कौन बन रहा है, उसी क्ले से स्फीयर बन रहा है, मीन्स द सेम मेटीरियल इज यूज इन कंस्ट्रक्टिंग बोथ शेप्स। तो दोनों की जो वॉल्यूम है वो सेम हो जाएगी। तो शंकु का आयतन है 1/3
पाई आर स्क्वेयर एच, यहाँ आर अलग यूज कर लेना भाई, और इसका गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये ध्यान रखना है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो यहाँ स्मॉल आर यूज करेंगे, यहाँ कैपिटल आर यूज करेंगे। अब देखो भाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, जो वैल्यू पता है वो रख दो। आर स्क्वेयर यानी कि 6 का स्क्वेयर, एच का मतलब 24, बराबर है आर का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ आपको फैक्टर बनाना आना चाहिए, तो 6 6 36, पहले फैक्टर ही कर लो ना आप इस केबल की। तो इसे अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बन गया 6 × 6 और 24 के भी टुकड़े हो गए, 6 चौक 24 इज इक्वल टू कितना आ गया, आर क्यूब हमारा आ जाता है। आगे और करते हैं, उधर सेकंड पेज पर इसको नोट करती हूँ, देखो जरा ध्यान से। आर क्यूब आया 6 × 6 × 6, प्राइम फैक्टर कर लो, 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा, और भैया 2 2 जा 4, 1 2 3, कहीं मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है। ये जो 4 है ना बेटा, इस 4 को मैं इधर नहीं लेके आई ना, ये 6 स्क्वेयर हो गया, ये 24 हो गया, ये 4 हमारा यहाँ रह गया था, तो ये आया 4 आर क्यूब, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है। आर क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल और आर हमारा आ जाता है 6 सेंटीमीटर, तो स्फीयर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर आ जाता है। अब हम बात करते हैं बेटा अगस्त के एग्जाम में आए हुए लॉन्ग क्वेश्चन की, जो कि उसमें 3 मार्क्स में आपका 2 ही मार्क्स में आएगा, वो भी फिर से अगेन एक एग्जाम्पल है। देख लीजिए, ये 13.3 है, 13.3 में हमारे पास 1 2 3 और 4 एग्जाम्पल हैं, 4 में से 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको करा चुकी हूँ, ये थोड़ा लंबा पड़ता है तो ये नहीं आएगा, ईजी ईजी से आपके आएंगे जो कि डायरेक्ट आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, तार की मोटाई ज्ञात करो। ये क्या कहता है कि बोथ आर सिलेंड्रिकल, ध्यान देना है, बोथ आर सिलेंड्रिकल, 1 सेंटीमीटर रेडियस और 8 सेंटीमीटर हाइट वाला एक कॉपर वायर है, कोपर की एक बार है, मैं आपको बता दूं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट समझें कि 1 सेंटीमीटर डायामीटर है और बेटा जी 8 सेंटीमीटर आपका हाइट है एक कोपर बार की, ठीक है, और उसे मेल्ट किया और उसे एक पतले से तार में बदला गया है। तार भी फिर से हमारा क्या होता है, मैं आपको बता दूं, अगेन सिलेंड्रिकल होता है, वायर हमारा फिर से क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो ये कह रहा है कि उसे एक 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, यानी इसकी जो हाइट है वो 18 मीटर है, तो इस तार की मोटाई, मोटाई का मतलब इसका डायामीटर हमने फाइंड करना है, गॉट इट, मीन्स बोथ आर सिलेंड्रिकल, एक शेप को दूसरी में रीकास्ट किया गया है तो दोनों की वॉल्यूम्स सेम है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो हम इसे कैसे करेंगे, ये तो बार है, तो बार का यानी बार माने हिंदी में बोलूँ तो छड़ है, तो बार का जो रेडियस है और जो डायमीटर है और हाइट हमें गिवन है, तो छड़ का व्यास कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, इसको यहीं होल्ड कर लो, हम एक बार बार नहीं निकालेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और वायर यानी कि तार, जिस वायर में कन्वर्ट किया है, माना तार की त्रिज्या, ये एक बात का ध्यान रखना कि इसको ये बड़ा है तो कैपिटल आर ले लो, इसकी हाइट को कैपिटल एच ले लो, माना तार की त्रिज्या बराबर है आर सेंटीमीटर और तार की जो ऊंचाई है वो एच है, यानी कि वो 18 मीटर है, तो मीटर के बना लीजिए आप सेंटीमीटर। अब एक छड़ को, एक इसको बार को मेल्ट करके वायर में बदला है तो दोनों की वॉल्यूम सेम है, तो मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बार इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, छड़ का आयतन बराबर है तार का आयतन, ठीक है, तार का आयतन, तो ये कितना हो जाता है भाई हमारा, पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, रेडियस कितना था 1/2 का स्क्वेयर × 8, ये हमें पता नहीं है, और ये हो जाएगा 1800,
दोनों साइड आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इट विल बी 8/4, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इंटू 1800। इसको इधर ले आइए, 2/1800, 2/1800, 2 एकम 2, ये आ गया 900, ये 1/30 का वर्ग हो गया, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल, रेडियस आ जाता है 1/30 सेंटीमीटर। हमने इस तार की मोटाई निकालनी है, विड्थ निकालनी है, तो तार की मोटाई का मतलब है इस तार का व्यास, और व्यास का मतलब डायामीटर, यानी 2R, यानी 2 × 1/30, 2 से इसको काटोगे तो 1/15 सेंटीमीटर, 1/15 सेंटीमीटर आप यहीं पर छोड़ सकते हो। आपकी बुक में तो इसने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, कोई नेसेसिटी नहीं है, मैं बिल्कुल आपको 100% कह रही हूँ, इसके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये लॉजिक आपको समझ आना चाहिए, मेन बात है ये। तो ये सितंबर के, अगस्त के सैम्पल पेपर के भी 2-2 नंबर के करा दिए। मैं कुछ बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताने जा रही हूँ आपको। देखिए बेटा, मैं जल्दी से आपको बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि 2 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन है तो ये नहीं आने चाहिए। 13.1 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। दूसरा में ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट, आप लगभग पढ़ लीजिएगा कि एक बर्तन खोखले अर्धगोले का है और अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। मैं इनकी मेन मेन शेप्स आपको बता रही हूँ और आपको इनको कैसे करना, डायाग्राम जरूर बना के आना। डायाग्राम 2 नंबर का है तो भी इस तरह की शेप है, ये शेप है अब आपकी, ठीक है। अब आपको ये तो एक अर्धगोला है और ये आपका एक बेलन है, दिस इज अ हेमिस्फीयर एंड दिस इज सिलेंडर, क्लियर है। अर्धगोले क्या कर, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास 14 है, ठीक है, रफली बता रही हूँ, इसका व्यास 14 है, रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसकी पूरी हाइट 13 सेंटीमीटर है, इसकी जो पूरी की पूरी हाइट है, ये 2 नंबर के लिए बिल्कुल सही क्वेश्चन है, 13 सेंटीमीटर है। तो ये कहता है कि इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, आंतरिक इंटरनल सरफेस एरिया, इंटरनल का मतलब अंदर, अंदर का मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ आपको केवल इसका हिंट दे रही हूँ, जो एरिया उसने पूछा है वो क्या हो जाएगा कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ आ रही है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh और इसका कितना होता है 2πR2। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो रेडियस सिलेंडर का है वही रेडियस हेमिस्फीयर का है। अब बच जाती है सिलेंडर की ये हाइट, तो अब जरा ध्यान से देखो ये क्या है, ये रेडियस ही तो है और ये रेडियस है, रेडियस कितना है 7, तो ये भी कितना है 7, तो ये कितना है 13, तो 13 में से 7 गए तो ये हाइट कितनी बच जाएगी 6 बच जाएगी। तो आर 7 है, एच 6 है, इसके अंदर आपने वैल्यू रखनी है 2πR × R + H और आपने इसको सॉल्व कर देना है। तो 2 मार्क्स के लिए ये आपका बिल्कुल एक छोटा सा सही क्वेश्चन है जिसके आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, ये भी छोटा है। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ध्यान देना, इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन अब अर्धगोले पर, यानी हेमिस्फीयर के ऊपर एक शंकु है, एक कोण है, क्लियर है यहाँ तक बात आपको। स्टेटमेंट आप अपनी बुक से देख लेना, मैं दोनों चीज़ें पैरेलल नहीं दिखा पाऊँगी इसमें आपको। तो इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, ये 3.5, तो आपने ध्यान रखना है कि ये भी 3.5 है, क्लियर है। और पूरी हाइट, पूरी हाइट इस खिलौने की कितनी है, ये 15.5 है। तो बेटा ये पूरी 15.5 है, इसमें से 3.5 माइनस करोगे, 3.5 में से 3.5 माइनस करोगे तो ये हाइट कितनी रह गई, 12 सेंटीमीटर रह गई। करना क्या है, करना क्या है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये थोड़ी आपकी समझ, ये आपकी समझ लगेगी, खिलौना बंद है, पृष्ठ कितने हैं, एक ये जो है कोण बाहर से दिख रहा है और स्फीयर बाहर से दिख रहा है। अब खिलौना कोई अलग शेप नहीं है, 2 शेप का कॉम्बिनेशन है और इसकी जो टोटल पृष्ठ है वो ये है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कोण का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा। तो हमें जो निकालना है वो है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, ध्यान देना भाई, शंकु का कर्व सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए ना बात को, क्योंकि जो दिख रहा है वही है हमारे पास। शंकु का कर्ण सरफेस एरिया होता है हमारा पाई आर एल, पाई आर एल, और अर्धगोले का हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वेयर। अब हमारे पास दिक्कत क्या है, हमारे पास आर 3.5 है, एच 12 है, एल नहीं है, एल नहीं है हमारे पास। पाई आर आप कॉमन लोगे तो ये बनेगा एल प्लस 2 आर, यानी एल आप कैसे निकालोगे, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ आपका काम बढ़ जाता है 2 नंबर के अकॉर्डिंग। तो एच आपका है 12 स्क्वेयर और आर ध्यान दो भाई कितना है, 35/10, 5 7 35, 7/2 में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वेयर किया 49/4 आ गया, 144 जमा 49/4, 4 × 16 = 17, 576 जमा 49/4 ये बनेगा बेटा 625/4, यानी 25/2 सेंटीमीटर आपका एल आ जाएगा। तो यहाँ आपने एल के प्लेस पे 25/2 रखना है, रेडियस के प्लेस पे 7/2 रखना है, और आपने इस फॉर्मूला की हेल्प से अपना जो है टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर देना है। 22/7, रेडियस है 7/2, एल है आपका 25/2, और 2 आर, आर 7/2 है तो 2 आर है 7, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, बाहर 11 आ जाएगा, 2 LCM। देखो डेसिमल हमें तंग करता है, हमने डेसिमल को हटा दिया यहाँ पर, ध्यान रखना है। तो 11 × 39/2 और ये आ जाएगा 429/2 सेंटीमीटर स्क्वेयर, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर मैं 13.1 के एग्जांपल्स की बात करती हूँ तो केवल एग्जांपल नंबर 1 मुझे लगता है कि आपका आ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल आपका इसी का उल्टा क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया है। ठीक है भाई, देख लीजिए ध्यान से, इसी का बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है आपका, तो थोड़ा सा इसमें से पूछा जा सकता है। सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये थोड़े लेंथी, क्योंकि इनमें नीचे जो एरिया बच जाता है वो भी हमें काउंट करना पड़ता है। क्लियर है? और जब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 पर, तो आप एग्जांपल नंबर 4 जरूर कर लेना, बहुत ही आसान है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से एक अर्धगोला काट दिया गया है और इसका क्या कहा गया है कि पूरा जो बर्ड्स के लिए इसने वो बनाया है उसका आपने एरिया फाइंड करना है। तो भाई अब ये इसका कर्ण सरफेस एरिया बताना है, तो दिख क्या रहा है अंदर, देख तो ये गोला दिख रहा है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो उसका कर्ण सरफेस एरिया, और एक बाहर जो ये सिलेंड्रिकल शेप दिख रही है इसका कर्ण सरफेस एरिया, तो दोनों को आप जोड़ देंगे। तो जो मेरे अकॉर्डिंग 13.1 में है वो फर्स्ट एंड फोर्थ एग्जाम्पल है, मैं राइट भी कर देती हूँ यहाँ पर आपके लिए। और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये मैंने कराए हैं और एक दो और बता देती हूँ बस, इसमें से इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। देखिए बेटा यहाँ मैंने राइट कर दिया एक्सरसाइज 13.1 में से एग्जांपल 1-4 और क्वेश्चन नंबर 1-2-3-6, 2 मार्क्स के लिए बस यही 6 क्वेश्चन आपके अप्रोप्रिएट हैं, जिसमें से बाकी तो सारे मैंने आपको करा दिए, और ये बच जाता है कैप्सूल वाला। कैप्सूल वाला बहुत ही आसान है, उसमें आपने क्या करना है, जस्ट मैं आइडिया दे रही हूँ। इस तरह से आपका एक सिलेंडर है, ये ज़्यादा बड़ा बन गया, इस तरह से आपका एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के यहाँ भी एक हेमिस्फीयर है और एक यहाँ भी हेमिस्फीयर है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिलेंडर का कर्ण सरफेस एरिया और 2 अर्धगोले मिलकर एक गोला बनेगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भाई, समझे बात को, कि ये बनेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले की त्रिज्या भाई देखो, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और व्यास 5 मिलीमीटर है, पूरी लंबाई है 14 मिलीमीटर, व्यास 5 है, तो रेडियस कितना हो गया 5/2, 5/2 यहाँ से हट गया, 5/2 यहाँ से हट गया, तो ये बेलन की जो हाइट कह सकते हो आप, इसको लंबाई कह सकते हो, 14 में से 5 गई, ये कितनी बच जाती है 9 मिलीमीटर। तो जब हम बेलन की बात करते हैं तो रेडियस है 5/2, हाइट है 9, और जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो रेडियस है 5/2, फॉर्मूला में पुट करना है और आपने सॉल्व कर देना। तो ये तो 13.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13.2 में से शायद नहीं आएंगे, मैं देखकर बताती हूँ आपको। देखिए बेटा 13.2 के सभी क्वेश्चंस बहुत लेंथी हैं, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं,
एक तो आपका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 13.2 का अकॉर्डिंग टू मी जो अभी हमने किया है कि ठोस के ऊपर अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा हुआ है तो उसकी वॉल्यूम बतानी है। तो वो वॉल्यूम आपकी देखो ये वाला अर्धगोले पर शंकु खड़ा है, इसकी वॉल्यूम बताने, तो आप क्या करोगे अर्धगोले की वॉल्यूम जमा में शंकु की वॉल्यूम आप कर दोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा 13.3 में से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 8 मैं करवा चुकी हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं आएगा, एग्जाम्पल नंबर 10 मैं करवा चुकी हूँ, 11 भी लेंथी है। हाँ, एक्सरसाइज में से आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6 इनकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये मैंने आपको मेन मेन रिवीजन चैप्टर 13.3 का करा दिया। इन क्वेश्चंस को मैं एक बार राइट कर देती हूँ। ये देखिए मैंने सभी तीनों एक्सरसाइजेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर राइट कर दिए, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये भी, और ये आपकी 13.3 एक्सरसाइज के दो एग्जांपल्स जो मैं करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6 हैं जो कि बहुत ईजी हैं, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन में ये ध्यान रखना है कि लास्ट में आपने इनको कट करना है, शुरू में आपने इनकी कैलकुलेशन नहीं करनी है। जब हम दोनों तरफ रिकास्टिंग का क्वेश्चन करते हैं तो दोनों तरफ ये नहीं कि पहले एक की वॉल्यूम निकालो फिर दूसरे की वॉल्यूम निकालो फिर उन्हें कट करो, नहीं, दोनों तरफ वैल्यूज़ रखो और डायरेक्ट आपने कट करना है, अलग अलग सॉल्यूशन नहीं करना है। तो ये बेटा आपका चैप्टर 13 का जो 5 मार्क्स के लिए मेन मेन रिविजन मैंने यहाँ करा दी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ग्रुप में आप मुझे लिख सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स and subscribe the channel. Thank you.